सुप्रभात साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले। हिमाचल में दो दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, एक सप्ताह में सामान्य से 34% अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम खराब बना रहने का पूरा अनुमान है। कल और परसों प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भारी बारिश और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों से नदी और नालों के समीप नहीं जाने की अपील की गई है। 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 34% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा चंबा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पीति और ऊना जिला में सामान्य से कम बादल बरसे। अन्य जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि गेटी थिएटर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम, पार्टी मुख्यालय में हिमाचल कांग्रेस करेगी आत्म मंथन। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। शिमला के गेटी थिएटर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और पार्टी मुख्यालय में नेताओं की मंथन बैठक होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में पार्टी नेता वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में हिमाचल कांग्रेस कहां पहुंची, इस पर पार्टी नेता चिंतन मनन करेगी। गले में लोहे का नट फंसने से 3 साल की बच्ची की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के साहो क्षेत्र के अधीन ग्राम पंचायत परोथा के गांव बाहरेही निवासी 3 वर्षीय बच्ची की गले में लोहे का नट फंसने से मौत हो गई। यह मामला बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है। 3 साल की गुन्नू पुत्री अश्विनी कुमार कमरे में खेल रही थी। खेलते समय उसने लोहे को नट उठाकर मुँह में डाल लिया। अचानक लोहे का नट उसके गले में फंस गया। बच्ची के परिजनों ने उसे देखा तो उसका दम घुट रहा था। इस दौरान परिजन बच्ची को तुरंत उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहो ले आए, लेकिन घुटने के कारण बच्ची की मौत हो गई थी। 15 साल पुराने वाहनों की पासिंग के लिए अब 8 गुना वसूल होगी फीस, अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब पुराने वाहनों की पासिंग के लिए 8 गुना फीस वसूल की जाएगी। 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे, अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे। इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था, इसे अब बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। ट्रक बस की बात करें तो 15 साल पुराने वाहन पहले 1,500 रुपये में रिन्यू किए जाते थे, अब इसमें 12,500 रुपये से 16,000 रुपये शुल्क लगेगा। छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10,000 रुपये शुल्क वसूला जाएगा। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में एक और चार्जशीट। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा पेपर लीक मामले में गगल पुलिस के बाद अब सीआईडी ने भी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। वहीं सीआईडी ने 7 जिलों के 61 आरोपियों के खिलाफ पिछले कल सीजीएम कोर्ट चक्कर शिमला में चार्जशीट पेश की। इससे पुलिस 2 जुलाई को गगल पुलिस ने कांगड़ा कोर्ट में 91 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हिमाचल में 5 से 10 रुपए महंगे मिलेंगे नींबू, आम और लीची के पौधे, नई रेट लिस्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों को इस बार ग्राफिट बरसाती फलदार पौधे 5 से 10 रुपए महंगे मिलेंगे। लीची का पौधा सबसे अधिक 10 रुपये महंगा हुआ है। उद्यान विभाग निदेशालय ने बढ़ाई गई दरों की सूची जारी कर दी है। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय ने बढ़ाई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने इसी माह में प्रस्तावित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की साइट पर विजिट कर सकते हैं। हिमाचल में 5 लाख और किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे नाबार्ड के साथ, बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश के 5 लाख और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के दायरे में लाया जाएगा। वर्तमान में केसीसी के तहत 4.36 लाख किसानों को कवर किया जा चुका है। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जीआर चिंताला के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तहत चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। हिमाचल में 400 MBBS कर चुके डॉक्टरों की नई भर्ती पर पेच जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में MBBS कर चुके 400 डॉक्टरों की नई भर्तियों पर पेच फंस गया है। सरकार ने इसकी भर्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करने का फैसला लिया है, लेकिन MBBS कर चुके डॉक्टरों के अभिभावकों और नेताओं के विरोध के चलते यह भर्तियां फंस गई हैं। वे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यह भर्ती करवाने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। सरकार ने फिलहाल यह फाइल पेंडिंग में डाल दी है, अब कैबिनेट की बैठक में इस पर फिर से चर्चा होनी है। हिमाचल में डिपो धारक अब घर जाकर करेंगे KYC, उपभोक्ताओं को नहीं काटने होंगे चक्कर। हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों और डिपो में सस्ता राशन लेने के लिए उपभोक्ताओं को KYC करवाना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए लोगों को डिपो धारक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिपो धारक खुद घर आकर उपभोक्ताओं की KYC करेंगे। मांगों को लेकर 12 जुलाई तक जारी रहेगी हड़ताल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालकों की 6ठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों को लेकर जारी गेट मीटिंग प्रदर्शन को भारतीय मजदूर संघ व JCC के सदस्यों का भी मांग को लेकर समर्थन प्राप्त हो गया है। वहीं राज्य परिचालक यूनियन के पदाधिकारियों ने आह्वान पर नाहन डिपो में निर्णय न होने तक अब 12 जुलाई तक परिचालकों का संघर्ष जारी रहेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम नाहन डिपो की गेट मीटिंग स्ट्राइक अब 10 दिन से ऊपर पहुंच गई है। इस बीच प्रतिदिन परिचालक 6ठे वेतन आयोग की वेतन विसंगतियों व क्लर्क के समान वेतनमान देने को लेकर गेट मीटिंग व नारेबाजी व प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। अब सिलाई अध्यापकों का अल्टीमेटम, सरकार ने 22 तक पॉलिसी नहीं बनाई तो 23 को हड़ताल। पंचायती राज विभाग व सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां जिला परिषद कैडर के 4,700 कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो वहीं अब सिलाई अध्यापकों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। वह भी तब जब पंचायती राज विभाग ने पंचायत सचिवों का काम इन्हें सौंपा है। सिलाई अध्यापकों ने सरकार को 22 जुलाई तक पॉलिसी बनाने का अल्टीमेटम दिया है। 22 जुलाई तक अगर सरकार की ओर से पॉलिसी नहीं बनाई जाती है तो फिर 23 जुलाई से ये हड़ताल पर चली जाएंगी। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।